नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पापड़ा गांव से सरपंच पद के प्रत्याशी कुलदीप माढ़ा, जो कि आज अपना नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए जा रहे हैं। और तस्वीरों के माध्यम से मैं आपको दिखा रहा हूं कुलदीप माढ़ा, जो कि अपना नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए, और साथ के साथ देखिए जिस प्रकार से आप लोग देख रहे हैं बुज़ुर्गों का आशीर्वाद जो है वो साथ के साथ लेते जा रहे हैं। इस समय की सीधी तस्वीरें मैं आपको पावड़ा से दिखा रहा हूं, जहां कुलदीप माढ़ा अपने सरपंच पद के लिए ग्राम पंचायत पावड़ा से नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए वो निकल चुके हैं। तस्वीरें मैं दिखाना चाहूँगा आपको, देखिए किस प्रकार से एक बड़े काफिले के साथ है, पूरे जोश के साथ। महिलाओं की संख्या की अगर मैं बात करूँ तो देखिए काफ़ी संख्या में महिलाएं हैं। और मेरा सपना शिक्षित गांव हो अपना, मेरा गांव स्वच्छ गांव, नशे को जड़ से मिटाना है तो अब की बार जिताना है पड़ेगा पावड़ा, तभी तो आगे बढ़ेगा पावड़ा। सही चुनाव, बड़ा बदलाव, काफ़ी है इस प्रकार के। देखिए जो तख्तियाँ वो ली हुई थी, और देखिए किस प्रकार से महिलाओं की भागीदारी की अगर मैं बात करूं तो बड़ी संख्या में महिलाएं यहां से इनके साथ इनके नामांकन पत्र में आप देख रहे हैं किस प्रकार से महिलाओं का काफ़िला, एक बड़ा काफ़िला। देखिए दोनों तरफ की अगर मैं बात करूं तो काफ़ी संख्या में महिलाएं इनके साथ है, और इनके नामांकन पत्र में ये हुजूम जो है वो उमड़ पड़ा है। तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं कुलदीप माढ़ा के नामांकन पत्र भरने जो जा रहे हैं कुलदीप माढ़ा अपना सरपंच पद के लिए ग्राम पंचायत पावड़ा से, तो वो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। लगातार कुलदीप माढ़ा प्रयासरत रहे हैं कि मैं गांव के अंदर शिक्षा, स्वास्थ्य और नशे को जड़ से ख़त्म करने को लेकर के। देखिए शिक्षा की अगर बात करें तो शिक्षा में इन्होंने अपना एक अहम योगदान दिया है, शिक्षा को हमेशा बढ़ावा दिया है। स्वास्थ्य को लेकर के काफ़ी चिंतित रहे हैं कि गांव के अंदर स्वास्थ्य की जहां बात हो। देखिए एक और पहल है ये, इस प्रकार से देखिए चुनरी जिसे बोलते हैं चुंदरी, वो बुज़ुर्गों को देते जा रहे हैं। देखिए ये महिला मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये एक देखिए यहाँ पर एक बुज़ुर्ग महिला बैठी है, उसको ये चुनरी देगी। वो देखिए महिला, देखिए किस प्रकार से ये जी बिल्कुल, देखिए लोगों का हुजूम जो है वो कुलदीप माढ़ा के चुनाव प्रचार में वो उमड़ा हुआ है। और महिलाओं की भागीदारी की अगर मैं बात करूँ तो महिलाएं लगातार इस के अंदर अपना योगदान जो है लगातार बनाई हुई है, चाहे वो नामांकन पत्र दाखिल करने की बात हो या इसके अलावा भी चुनाव प्रचार की बात हो, तो काफ़ी बार महिलाओं का सहयोग जो है कुलदीप माढ़ा को मिला है। इसके साथ साथ मैं तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं ग्राम पंचायत पावड़ा के सरपंच पद को लेकर के अपनी दावेदारी जता चुके कुलदीप माढ़ा के, जहां आज वो अपना नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए पैदल चल पड़े हैं। और महिलाओं की भागीदारी की मैं अगर बात करूं तो फिर से मैं दिखाना चाहूँगा आपको, देखिए महिलाओं का एक बड़ा काफिला जो है वो इनके साथ है। तस्वीरें मैं आपको गांव पावड़ा से दिखा रहा हूं, जहां कुलदीप माढ़ा आज अपना नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए निकल पड़े हैं, और बड़ी भारी जीत दर्ज कराने के लिए आज ये अपना नामांकन पत्र भरने के लिए चल पड़े हैं। तो तस्वीरें मैं आपको पावड़ा गांव से दिखा रहा हूं, जहां जी देखिए बुज़ुर्ग जो है यहां पर बैठे हैं, और हुक्के पर चर्चा जो है चुनाव को लेकर के अक्सर होती रहती है। तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं ग्राम पंचायत पावड़ा के सरपंच पद के प्रत्याशी, जो कि अपना नामांकन दाखिल करने के लिए आज एक बड़े काफिले के साथ है। महिलाओं की संख्या की अगर मैं बात करूं तो देख सकते हैं बड़ी संख्या में महिलाएं, भारी संख्या में महिलाएं यहां पर इनके साथ उमड़ चुकी हैं, और जोश जो है वो लगातार इनका देखते ही बन रहा है। तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं पावड़ा की, जहां नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए सरपंच पद के लिए कुलदीप माढ़ा
जो है वो निकल चुके हैं। एक बड़ा काफिला जो है वो कुलदीप माढ़ा के साथ चलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। महिलाएं काफ़ी बड़ी संख्या में महिलाएं इनके साथ है। तस्वीरें मैं आपको ग्राम पंचायत पावड़ा के सरपंच पद के प्रत्याशी कुलदीप माढ़ा जो कि अपना नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए निकल चुके हैं पावड़ा की तस्वीरें मैं आपको लगातार दिखा रहा हूं। देखिए लगातार कुलदीप माढ़ा जिंदाबाद के नारे लगते हुए आपको सुनाई दे रहे हैं। तस्वीरों के माध्यम से मैं आपको दिखा रहा हूँ कुलदीप माढ़ा अपना नामांकन पत्र दाखिल करने ये वो निकल चुके हैं और बड़ी संख्या में महिलाएं जो है इनके साथ निकली है। महिलाओं के साथ साथ मैंने आपको पुरुषों का भी वो काफिला दिखाया। बड़ी संख्या में लोग जो है इनका साथ दे रहे हैं। कुलदीप माढ़ा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुलदीप जी, आज नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए आप निकल चुके हैं, डॉक्यूमेंटली अगर बात की जाए तो किस प्रकार की तैयारियां आपने की है? देखो, सारी तैयारियां हमारी डॉक्यूमेंटली हो चुकी है और आज हम नामांकन पत्र दाखिल करने जा रहे हैं। नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए देखा जा रहा है जिस प्रकार से एक बड़ा हुजूम जो है महिलाओं के साथ आपके चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखो, चुनाव लोगों के साथ ही होता है, ये सारे के सारे लोग हैं हमारे। अच्छा, कई तख्तियां जो है महिलाओं के हाथों में है, बच्चों के हाथों में है, ये जो जितने भी इनके ऊपर शब्द लिखे हुए, क्या इन पर कभी विचार भी किया? देखो, बच्चे बूढ़े और नौजवान, उन्हीं के साथ गांव बनता है, उन्हीं के साथ समाज बनता है, समाज से देश बनता है सारा। देखिए लगातार साथ के साथ में बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ कुलदीप माढ़ा जो कि नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए निकल चुके हैं। तो कुलदीप माढ़ा से हमने बातचीत की थी, डॉक्यूमेंटली अगर बात की जाए तो वो सारी तैयारियां इन्होंने अपनी कर ली है और अपना नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए वो जा रहे हैं। तो तस्वीरें मैं आपको ग्राम पंचायत पावड़ा की दिखा रहा था, एक बार फिर मैं आपको एक काफिला दिखा करके आप लोगों से विदा लूँगा उसके साथ। स्वच्छ गांव, मेरा सपना आदर्श गांव, काफ़ी ऐसे देखिए जो तख्तियां हैं वो महिलाओं के हाथों में, एक बड़ा हुजूम जो है महिलाओं का वो कुलदीप माढ़ा के साथ है और लगातार जीतेगा भाई जीतेगा, कुलदीप माढ़ा जीतेगा के नारे वो यहाँ। तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ ग्राम पंचायत पावड़ा की, देखिए एक बड़ा हुजूम
ये साथ की साथ में महिलाएं और पुरुष जो है इनके साथ में चल रही है। लगातार नारे लगते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको, तालियों की आवाज़, जो तालियों की गड़गड़ाहट जो है वो देखिए किस प्रकार से एक ताल एक सुर में बजती हुई आपको दिखाई दे रही है। तस्वीरें में आपको ग्राम पंचायत पाबड़ा के सरपंच पद के प्रत्याशी बनने जा रहे कुलदीप माढ़ा के उस नामांकन पत्र में जो लोगों का हुजूम जुड़ा है, महिलाओं का जो हुजूम जुड़ा है, वो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। दर्शकों, अभी एक बार आपसे मैं विदा लेना चाहूँगा, फिर आपके साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए बने रहिए द न्यूज़ नेटवर्क के साथ।